झांक कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। हम इस वक्त गाजियाबाद स्थित एसएसपी कार्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ट्रोनिका सिटी, लोनी क्षेत्र में जो ट्रोनिका सिटी है, यूपीएसआईडीसी का औद्योगिक क्षेत्र है, उसके उद्यमी हैं और कप्तान साहब से मिलके अभी बाहर निकले हैं और इनके साथ वो चारों उद्यमी भी हैं जिन पे वो हत्या का आरोप लगा है। बिजली विभाग के निजी लाइनमैन ने लगाया है, एफआईआर दर्ज कराई है। एक उद्यमी को पुलिस ने पिछले 3 दिनों से डिटेन किया हुआ है, बैठा रखा है थाने में, उसके बाबत भी ये लोग आए हैं। तो इन्होंने क्या बात रखी और चारों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे सबसे पहले कि उन पे वो आरोप उसने क्यों लगाया। तो पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? संजय सिंह। संजय सिंह जी, ये लाइनमैन जो है वो सोमवीर, वो आप पे क्यों आरोप लगा रहा है सर? भाई साहब, जब नईम भाई का झगड़ा हुआ था उस दिन मैं नईम भाई को थाने ले गया था और अपना 3-4 महीने पहले अंसल में खेलने के दौरान झगड़ा हुआ था। जी जी जी, 3-4 महीने पहले जो हुआ था उसमें मैं लेके नईम भाई को हॉस्पिटल तक गया था। उसके बाद नईम भाई के साथ 2-4 दिन मैं रहा था कि भाई इनके साथ परेशानी है और इनके साथ एक्चुअल उसने घटना करी थी, जानबूझ के मारपीट उसने करा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी है बकायदा। इस वजह से मेरा नाम उसमें आया है। यानी कि आप जो जिनके खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, नईम जो हैं वो भी उद्यमी हैं, उनको आप लेके जा रहे थे, डॉक्टर मरहम पट्टी करा रहे थे, 2-4 दिन साथ रहे, तो उसने आपको भी इसीलिए, ये आपका कहना? जी 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 बिल्कुल। और कोई कभी उससे नहीं, और कोई बातचीत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उसके साथ, ना कोई उससे कोई झगड़ा है। दूसरे उद्यमी हमारे साथ हैं, उनका नाम है सुनील जैन, उनका भी उसमें नाम है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये झगड़ा जो डिस्प्यूट था, हम इस डिस्प्यूट निपटाने के लिए बैठे थे एसोसिएशन लेवल पे, यही वो नईम वाला जो था, वाला जो झगड़ा था, किसी तरीके से झगड़ा इंडस्ट्रीज के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सोमवीर की पहले पिछले काफ़ी टाइम से शिकायत आ रही थी अवैध उगाही के लिए, जिसको पहले काफ़ी कई बार समझा चुके थे। अब उस झगड़े को निपटाने के लिए इसने 10 लाख रुपये की डिमांड की थी, 10 लाख रुपये की डिमांड की थी, जो कि हमने रिफ्यूज कर दिया। हमने कहा था वो इंडस्ट्रीस्ट है, आप लाइनमैन हो, आपस में झगड़ा करोगे तो कल को झगड़ा बढ़ेगा, इस झगड़े को निपटाया जाए। किस तरीके से निपटाया जाए इसके बारे में डिस्कस करना है। दोनों पार्टी को चोट लगी है, अब ये डिसाइड नहीं कर सकते गलती किसकी है। बच्चों को खेलने को लेकर, बॉल को लेकर झगड़ा हुआ है जो कि सही नहीं है, दोनों पक्ष में, दोनों पार्टियों के पक्ष में नहीं है, तो इसीलिए इस झगड़े को निपटाया जाए। ऐसी कितनी बार नेगोशिएट किया गया, कितनी बार ऐसी बातचीत हुई? एक मीटिंग हुई है जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी भी थे, लाइनमैन था, मैं था और बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने सबको समझाया। कौन अधिकारी रहे हैं उसमें? मिस्टर प्रदीप जई। अच्छा, जो प्रदीप, उन्होंने भी काफ़ी समझाया उसको कि ये झगड़ा ठीक नहीं है, ये झगड़े को निपटाया जाए। लेकिन वो आपका कहना है इसलिए नहीं सुलझा कि उसने 10 लाख रुपए की डिमांड 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो हमने रिफ्यूज कर दी थी, जो इनलीगल थी, गलत थी, जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं कराया, इसीलिए वजह से आपका भी नाम ये इसलिए दिया, इसी वजह से उसने अपना नाम दिया गया है। मेरी कोई ऐसी पिछली बैकग्राउंड नहीं है। कभी कोई उससे आपका कोई हॉट टॉक हुआ? कोई हॉट टॉक नहीं हुआ, क्योंकि एसोसिएशन लेवल पे हम उसको डांटते थे, डपटते थे कि पैसा अवैध उगाही क्यों करता है, वो कंटिन्यू अवैध उगाही से बाज नहीं आ रहा था। अवैध उगाही जैसे किस तरह? किसी के बिजली के ट्रांसफार्मर चेंज करने हैं तो 10,000 की डिमांड करनी है, 20,000 की डिमांड करनी है, जंपर जोड़ना है 10,000 की डिमांड करनी है, फैक्ट्री चलानी है, छोटे फैक्ट्री वाले, नए फैक्ट्री वाले, उनसे 5,000 महीना लेना है, 10,000 महीना लेना है, 2,000 महीना लेना है, बिजली रीडिंग का पैसा लेना है, जिस तरह उसको मौका मिलता था उस तरह पैसे की अवैध उगाही करता था। अच्छा, उसे लगता था कि पैसा यहाँ से मिल सकता था। हमारे साथ मिस्टर सलीम भी हैं जो नईम हैं उनके भाई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे बात कर। क्या हुआ था असल उस दिन? हमारा उसे बच्चों क्रिकेट खेलने के ऊपर उसे झगड़ा हुआ था, उन्हें मारपीट की, चोट हमारी भी आई और ये सब हमारे पक्ष में थे, तो इस वजह से इन लोगों का नाम लिया जा रहा है और वरिस कर रहा है पैसे। पक्ष मतलब ये थोड़ी कि उसको मारने चले गए, पक्ष मतलब ये था ना, नेगोशिएट करा, नेगोशिएट करा दें उसमें बैठ के, इन्होंने मीटिंग करी, ये लोग हमारे साथ हैं इस वजह से इनका भी नाम लिया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को वो आधार बना के आपके खिलाफ भी करा दिया और इनके खिलाफ भी करा दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमारे साथ खड़े थे। आपका क्या? जी जी जी, और बिजली विभाग के वो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, दिनेश चौधरी उनका नाम है, जिनके खिलाफ भी एफआईआर उस निजी लाइनमैन ने दर्ज कराई है। आप पे क्यों आरोप लगाया? मेरे पे इसलिए आरोप लगाया कि उसको मैंने काम से हटा दिया था। एक्चुअली मेरा टेंडर 31 मार्च में ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सबसे बोल दिया भाई मेरा टेंडर ख़त्म हो रहा है, अब के बाद मैं किसी आदमी को नहीं रखूँगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर टेंडर की विभाग की कुछ ई टेंडिंग की वजह से टाइम 4 महीने का एक्सटेंशन कर दिया गया। उसका कुछ पैसा भी तो आप पे बकाया है ना? पैसा बकाया, पैसा लेने नहीं आया, हमने कहा पैसा ले जाओ, उसका चेक बना रखा है, बाकी तो हमें एक काम कर ले, तो अपना भैया हमारी नौकरी का वो दे लेटर कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अपना चेक ले जा।
तो वो मैं तो था नहीं ऑफिस में, स्टाफ था, वो देखे नहीं गया। उसके बाद में उसको कई बार बुलाया गया, वो नहीं आया। इस चीज़ को लेके आपसे कभी कोई लड़ाई हुई? कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई हम किसी का बैलेंस भी नहीं रखते, टाइम से पहले सबको पैसा देते हैं। प्रकरण को लेके जो निगोशिएट हुआ उसमें आप भी थे? उसमें हम ये बैठे थे मीटिंग में, हमें बैठाया था, हमने कहा भाई तुम एक काम कर लो, इसको मैटर को जैसे निपटता हो निपटा लो। उसके बाद में फिर हमारा कोई बात नहीं, चीत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बस ये था कि हम उसका कहना था कि तुमने मुझे हटा दिया इसलिए तुम्हारा नाम मैं लिखवा रहा हूँ, लिखवाया। इसलिए लिखवाया, मेरा कहना ये है। तो चारों लोग जो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, और वो एक प्रकरण जो पीछे 3 महीने से चल रहा था निगोशिएट कराने की, उसमें जो भी कोशिश कर रहे थे उन्हीं के खिलाफ उस व्यक्ति ने FIR दर्ज करा दी है। यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान देने योग्य है, 1.5-2 साल पुरानी घटना है, जो लड़का मरा है वो अचेत अवस्था में सड़क पर लहूलुहान पड़ा हुआ मिला था, किसी ने उसकी जीप भी काट दी थी। उस मामले में भी ये जो लाइनमैन है सोमवीर, उसने कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। तो एक पहलू इसका वो भी है, इन लोगों से तो लड़ाई हाल फिलहाल का मामला है, लेकिन एक पहलू वो भी है, वो कौन लोग थे जिन्होंने उसकी जीप काट दी थी, इसको भी प्रशासन को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी जाँच करनी चाहिए। आरोपी जो उद्यमी हैं उन्होंने अपना पक्ष बताया है, उन्होंने अपनी बात रखी है, और कप्तान साहब के सामने भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो और इंडस्ट्रीस्ट हैं उनसे जानते हैं कि जो उन्होंने SSP के सामने अपनी बातें रखी हैं, तो SSP ने उनको क्या आश्वासन दिया है और क्या बात उन्होंने रखी है, क्या बात हुई? सर, हम कप्तान साहब के पास अपनी ये प्रॉब्लम ले कर आए हैं कि हमें एक तो बेकसूर फंसाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा काम बिजनेस कुछ और है और हमारे पास इल्ज़ाम कुछ और लगाए जा रहे हैं किसी भी बात को लेकर, या हमारी NT पार्टी कोई भी जो हमारे साथ ऐसा कराना चाह रहे हैं। लेकिन हम कप्तान साहब से ये गुहार लगाना है कि हमारे साथ निष्पक्ष जांच कराई जाए, हम दोषी हैं तो हमारे हमारे आदमी को सजा दी जाए, और दोषी नहीं है तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिया कि मैं अपने स्तर पर हमने अपनी कंप्लेंट ले ली है, और उन्होंने कह दिया मैं अपने स्तर पर इस चीज़ की जाँच करूँगा और जैसा भी होगा उसके कार्रवाई करूँगा उसके आगे, लेकिन हमारे ये आश्वासन दिया है हमारी निष्पक्ष जाँच करी जाएगी। नहीं, नईम को जैसे पकड़ रखा है उस मसले पर भी कोई बात? हाँ, हमने बोला है, वो हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी एक फैक्ट्री ओनर है, जब तक उसमें कोई क्राइम उसके ऊपर साबित नहीं होता है उसको काम करने की इजाज़त दी जाए। पूरी इंडस्ट्री उसके साथ है, किसी भी तरह की सहयोग की जरूरत होगी हम सब लोग सपोर्ट करेंगे, कभी भी उनको किसी तरह की जांच में किसी सहयोग की जरूरत है उसको बुलाना पड़ता है, हम लोग उसकी गारंटी देते हैं वो आएगा, अभी तो हम सारे वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सब अपने फैक्ट्री ओनर है, सबकी अपनी फैक्ट्री है, कोई कहीं जा तो रहा नहीं छोड़ के फैक्ट्री अपनी। तो आपने यही डिमांड की है कि उनको फिलहाल छोड़ दिया जाए और जांच में जो भी होगा उसके बाद जो भी हो वो कार्रवाई हो जाए? बिल्कुल, हमने यही कहा है कि सारे इंडस्ट्री वाले हैं, जिस भी तरह की जांच में सहयोग की जरूरत होगी उसमें हम लोग तैयार हैं, जांच में सहयोग किया जाएगा, जो दोषी होगा उसको सजा दी है। लेकिन फिलहाल कितनी देर आप लोगों की बातचीत चली है? कितनी देर बातचीत? हमारी 5 मिनट का उन्होंने हमें पर्सनल टाइम दिया था, तो उस बीच में हमने यही बात रखी जो हमारे दोस्तों ने कही, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम अभी उसे नईम को रिहा किया जाए, वो अपनी फैक्ट्री चलाए, कि फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत टाइम लगता है उसे बनाने के लिए, आज उसका फ़ोन वोन सब बंद है, फैक्ट्री उसकी बंद है, उसे फैक्ट्री डेवलप करने में सालों लग गए, आज उसके 10-20 दिन उसे बंद रहा तो उसकी सारी इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कम से कम उसे इंडस्ट्री चलाने का भी मौका दिया जाए, अगर दोषी है तो उसे अरेस्ट किया जाए, मगर फिलहाल तो अभी वो दोषी नहीं करार दिया जा रहा, उसे शक के बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है, तो उसकी जो भी जाँच हो वो जाँच कराई जाए, उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है हम सब गारंटी लेने को उसकी तैयार हैं, अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम आपके सामने पेश हो जाएंगे सब लोग, और जो भी हम लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी हम साथ में आपके। आश्वासन क्या दिया गया इसमें? आश्वासन उन्होंने यही कहा कि आप बेफिक्र रहिए, हम निष्पक्ष जांच कराने की कोशिश करेंगे और जो भी जांच होगी उसको आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो अगर दोषी हुआ तो उसे लाके हम खुद पुलिस के हवाले कर देंगे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का साफ कहना है, अगर दोषी हुआ तो हम खुद लाके पुलिस की मौजूदगी में सुपुर्दगी में उसको दे देंगे, और इन लोगों ने यही अपनी बातचीत की, और पहले ही फुर्सत में आज ये गाज़ियाबाद पहुंचकर SSP से मिले और अपनी बात रखी। SSP ने इनको आश्वासन दिया है, अभी इसमें एक पक्ष सोनवीर निजी लाइनमैन का बनता है, हम उससे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उसने इन पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए, सीधे सीधे एकदम इन्हीं सब पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया, ऐसी क्या उसके पास सबूत है, क्या प्रूफ है कि उन पर सीधे इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर, SSP ने अभी आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष की जाएगी और कोई गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अक्रम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।